खबर उत्तराखंड से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आयोजित नारी शक्ति बंधन महोत्सव और सरस मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में रोड शो भी किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। गल्ला मंडी से गांधी पार्क तक आयोजित रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं रोड शो में उधम सिंह नगर की विभिन्न संस्कृतियों की विविधता भी देखने को मिली है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उधम सिंह नगर जिला एक प्रकार से पूरे भारत की संस्कृतियों का गुलदस्ता है, जो अनेकता में एकता की मिसाल को पेश करता है और अपने में समाहित भी करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहाँ की नारी स्वयं में सशक्त है, जिससे हमारा समाज और अधिक सुदृढ़ और विकसित हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में मैंने जिस प्रकार से देखा कि विभिन्न विभिन्न जो हमारे महिलाओं के द्वारा, हमारी माताओं के द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, यह कार्यक्रम जहाँ एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर का जो मंत्र है कि सबको आत्मनिर्भर बनाना है, सबको अपने पैरों पर खड़ा करना है, विशेष कर से हमारी माताओं बहनों को उनके पैरों पर खड़ा करके उनको रोजगार से जोड़ना है, उनको स्वरोजगार से जोड़ना है, उनकी आजीविका को खड़ा करना है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य यहाँ पर हमारी मातृशक्ति कर रही है। और मातृशक्ति की जो प्रतिभा है एवं कौशल, ये सभी को परिचित करवाने का कार्य भी कर रहे हैं। जब हम लोग वहां पर पूछ रहे थे, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, मिट्टी के खिलौने बना रहे हो, या रिंगाल से टोकरियां बनाने का काम कर रहे हो, या बुनाई का काम कर रहे हो, जब हम उनसे पूछ रहे थे कि कितने समूह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर 80 लोग समूह से जुड़े हुए हैं, कहीं पर 100 लोग जुड़े हुए हैं, कहीं 200 जुड़े हुए हैं, कहीं 500 और 700 लोग तक, और बड़ी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आज हमारी माताएं बहनें इन समूह से जुड़कर स्वयं का जहां रोजगार कर रही हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में, जो हमारा राज्य सन 2000 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें हमारी मातृशक्ति का जो योगदान है उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं।